तेलंगाना में विधानसभा चुनाव आने से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुट चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो हर साल 1,00,000 गाय मुफ्त बांटेगी। अब सवाल ये है, क्या गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होती है या नहीं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बीजेपी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार नए नए मुद्दे उछालती रहती है। कभी राम मंदिर, कभी काला धन, कभी बेरोजगारी। लेकिन इस बार बीजेपी ने तेलंगाना में एक नया दांव खेलने की कोशिश की है और अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो हर साल 1,00,000 गाय मुफ्त बांटेगी। इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं के मुद्दे को भी केंद्र में रखा। सरकारी नौकरी करने वाले मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने का वादा किया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल में रखने और मेट्रो के किराए को भी कम करने का ऐलान किया है। साथ ही पार्टी ने ये भी दावा किया कि वो किसानों का 2,00,000 तक का कर्ज माफ कर देगी और स्नातकों को मुफ्त लैपटॉप बांटेगी। बीजेपी पहले भी गाय को लगातार चुनावी मुद्दा बनाती रही है, लेकिन तेलंगाना में ऐसा पहली बार होगा। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अपने इस नए दावे के साथ तेलंगाना में कैसे जीत हासिल करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रियंका गुप्ता की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।